नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के, थोड़ा सा क्लिष्ट लगता ना, आज आपको मैं एकदम चुटकियों में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का चैप्टर जैसे याद करती हूँ और कुछ चीज़ें आपको इतनी ईजी कर दूंगी आपको टीपी ईजी लगने लगेगा। आइए चर्चा करते हैं टीपी एक्ट की। टीपी एक्ट के कई नाम है इस बेचारे के, कोई इसको टीपी बोलता है तो कोई इसे टोपा बोलता है, तो ये खुद ही कन्फ्यूज हो जाता है। टीपी और टोपा क्या है? फाइव ईयर एनएलयू लॉ वाले इसको टोपा बोलते हैं, फाइव ईयर नॉर्मल कॉलेज वाले इसको टीपीए बोलते हैं, और हम थ्री ईयर वाले टीपी एक्ट कहते हैं। तो इसके तीनों नाम है, तो हमारे लिए टोपा का मतलब वो होता है, लेकिन तीनों है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो बात है 1882 की, एक्ट नंबर इसका 4 है। यहाँ पे हम प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करने आ रहे हैं। प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास 6 वे हैं। फर्स्ट सेल, सेकेंड मॉर्गेज, थर्ड लीज, फोर एक्सचेंज, फाइव गिफ्ट और सिक्स एक्सनेबल क्लेम। तो हम 6 तरीके से हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। और टीपी एक्ट में ट्रांसफर बाय पार्टीज होता है, बाय लॉ दूसरे एक्ट बने हुए हैं। ट्रांसफर बाय पार्टीज टीपी एक्ट आपको दिलाता है। इसका एक एक्सेप्शन है, पूरी टीपी एक्ट का एक एक्सेप्शन है, सेक्शन नंबर 100, जहाँ पे पार्टीज और लॉ दोनों हैं। एक छोटा सा ओवरव्यू देखते क्या है टीपी एक्ट। टीपी एक्ट के अंदर जो है टोटल आपके पास 8 चैप्टर हैं, टोटल सेक्शन 137 थोड़ा छोटा सा है। एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया में कब से है? 31 अक्टूबर? नो, ये जम्मू कश्मीर राज्य में पहले से अप्लाई होता था, फिर पंजाब दिल्ली में समय समय पे चेंज हुआ, तो आप इसको 31 अक्टूबर मत लिख देना, ठीक है। फिर ये 1 जुलाई को उसका कमेंसमेंट हुआ था 1882। 1882 के हमारे पास 3 एक्ट है, टीपी एक्ट, सेकेंड हमारे पास आता इजमेंट एक्ट और तीसरा आता ट्रस्ट एक्ट। ये तीनों ही 1882 के हैं और तीनों ही 1 जुलाई 1882 के अप्लाई हुए थे, और सिग्नेचर हुए इसके पास 17 फेब को। कब हुआ था? 17 फेब 1882 को। तो ये ट्रांसफर बाई किसके बीच में होता है? बाई पार्टीज। और दूसरी शर्त लिविंग पर्सन, यानी आप किसी मरे हुए व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकते, या मरे हुए व्यक्ति के बाद प्रॉपर्टी जो सक्सेशन के थ्रू आपके पास आती है वो भी इसमें नहीं आएगी। एक लिविंग पर्सन दूसरे लिविंग पर्सन को करता है। और सबसे अच्छी बात, यहाँ पे लिविंग पर्सन में कंपनी इंक्लूड है, कॉर्पोरेशन इंक्लूड है, जबकि कंपनी कॉर्पोरेशन इज अ लीगल पर्सन, पर यहाँ पे वो भी इंक्लूड है अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 5। आइए चैप्टर नंबर 1 कहता है, मैं तो प्रीलिमिनरी हूँ जैसा सब है वहाँ पे मैं हूँ। 1, 2 का 4। सेक्शन नंबर 2 कहता है ट्रांसफर प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज 5 to 53A। जब आप इसको पढ़ते हो तो उसको डिवाइड कर दो, ईजी हो जाएगा आपका। सेक्शन नंबर 5 से लगाकर 34 तक कर लो, 35 को अकेला कर दो, 36 से 37 कर दो, और 38 से लेकर आप जो है 53A कर दो। इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दो ताकि पढ़ना आपके लिए इजी रहेगा, ऐसा डिवाइडेशन इसमें दिया हुआ भी होगा। 5 से 53 ये थोड़ा सा क्लिष्ट है, इसको ढंग से समझ लो, बाकी पार्ट हमारे जीवन में रोज का काम है, आता रहता है। इसके अंदर कुछ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं, जैसे 35 है इलेक्शन की बात करता है, 41 ऑस्टेंशियबल ऑनर की बात करता है, 43 एस्टोपल की बात करता है, 52 लिस्ट पेंडेंसी की बात करता है, 53 आपके पास जो है फ्रॉडुलेंटली बात करता है, 53A जो है वो पार्ट परफॉर्मेंस की बात करता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसके अंदर रहते हैं। तो नंबर 2 कहता है ट्रांसफर बाय एक्ट बाय पार्टीज, 3 कहता है चलो सेल करते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ नई बात पढ़ते हैं, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी 54 से 57, तो लिखो सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ पे होगी? सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो याद रखना सेल 2 है, मूवेबल इमूवेबल, इमूवेबल टीपी एक्ट, मूवेबल सेल ऑफ गुड्स एक्ट। चलिए आइए मॉर्गेज करते हैं 58 से 104, इसको भी डिवाइड करके करना, जल्दी याद होगा नहीं तो भूल जाओगे। इसके अंदर सिंपल मॉर्गेज है, फिर आता सी फॉर कंडीशनल मॉर्गेज है, डी फॉर यूजुफैक्चरी है, ई फॉर इंग्लिश है, फिर एफ फॉर टाइटल डीड है, और जी फॉर एनोमलस है। तो सादा बंधक है, सशर्त विक्रय द्वारा बंधक है, भोग बंधक है आपका, उसके बाद आता आपका अंग्रेजी बंधक है, और देन उसके बाद आता आपके पास विलक्षण बंधक है। उसकी बात करता है 58 से 104। इसमें भी एक चीज़ है कि जब आप इमूवल प्रॉपर्टी किसी और को रखकर उसके बदले पैसे लाते हो कुछ समय के लिए, वो है मॉर्गेज, और जब मूवेबल प्रॉपर्टी किसी और के पास रखकर जब पैसे लेकर आते हैं उसे कहते हैं प्लेज। तो अब लिख के लिखो मॉर्गेज है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, और अगर मूवेबल का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? प्लेज, गिरवी। और ये हम कहाँ पढ़ेंगे? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन नंबर 179A तक कर दो, 2 से 179A तक, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं प्लेज कहाँ पढ़ते हैं? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में।
तो मूवेबल इमूवेबल यहाँ पर है, मूवेबल अलग अलग जगह है। फिर आता है लीज 105 से 117। हम किसी की जमीन लेते हैं लीज पर, वहाँ पे अपना काम करते हैं, उसके बदले में हम उसको प्रीमियम देते हैं, पैसे देते हैं। तो जब हम इमूवेबल प्रॉपर्टी लेते हैं किसी पर्पस के लिए, बदले में पैसे देते हैं, वो है लीज 105 से 117। लेकिन अगर यही मूवेबल हो जाए, यदि मूवेबल हो जाए तो उसको बोलते हैं लाइसेंस। और ये लाइसेंस हम पढ़ते हैं ईजमेंट एक्ट में, तो लिख दो। तो ये तीनों इमूवेबल है। जब जब मूवेबल होता है, एक सेल ऑफ गुड्स एक्ट में चला जाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट में चला जाता है, और ये इजमेंट एक्ट के लाइसेंस में चला जाता है। और देन आता है आपके पास एक्सचेंज। ये मूवेबल इमूवेबल दोनों के लिए होगा। यहाँ पे या तो दोनों मनी या तो दोनों थिंग्स, दोनों में से दोनों होगा, मतलब या तो दोनों मनी दोनों थिंग्स, एक मनी एक थिंग्स होते हुए सेल बन जाता है। और देन आता है गिफ्ट। ये भी मूवेबल इमूवेबल दोनों है, मूवेबल इमूवेबल दोनों है। 122 से 129, इसमें दो चीज़ें, एक तो मुस्लिम लॉ पे अप्लाई नहीं होता है, एक मृत्युशय पे दिए हुए गिफ्ट पे अप्लाई नहीं होता है। और इमूवेबल प्रॉपर्टी का हमेशा गिफ्ट रजिस्टर्ड होगा, रजिस्टर्ड होगा, रजिस्टर्ड होगा। और देन आता है एक्शनेबल क्लेम, ऐसा क्लेम जो एक्शन लेने लायक है, जिसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ये भी मूवेबल और इमूवेबल दोनों से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है बेटा? ये भी मूवेबल इमूवेबल दोनों से, 130 से 137। बट ये कभी भी कोर्ट में काम करने वाले किसी भी ऑफिसर को ट्रांसफर नहीं होगा, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है एक्शनेबल क्लेम में इंक्लूड नहीं होगा। तो चैप्टर 1 कहता है मैं प्रीलिमिनरी, 2 कहता है पार्टीज उधर ट्रांसफर करेंगे, 3 कहता है सेल करें, 4 कहता है मॉर्गेज कर देता हूँ, 5 कहता है लीज करूंगा, 6 कहता है एक्सचेंज कर देते, 7 कहता है गिफ्ट ले ले, 8 कहता है एक्शनेबल क्लेम है तेरे पास तो मुझे दे दे। तो ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हो। और ये ध्यान रखना है कि 1, 2, 3 ये तीनों सिर्फ इमूवेबल पे अप्लाई होती है, मूवेबल पे नहीं होती है। तो ट्रांसफर प्रॉपर्टी अच्छा एक्ट है, यूपी में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बाकी स्टेट में थोड़े से कम आते हैं, पर पढ़ना पड़ता है। जनरली 3 से 4 क्वेश्चन आपको दूसरे स्टेट में मिलते हैं, लेकिन यूपी के अंदर 11 से 12 क्वेश्चन मिलते हैं। एक बार पूरा रीडिंग करना होता है, मेन के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, वो आप कर सकते हैं। इसी के साथ ही साथ, जैसे कि आपको पता है कि SULC जो है सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस, ये जुडिशी के फाउंडेशन बैच चलाती हैं। बैच के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, 0 से 0 तक पढ़ाते हैं, कंप्लीट कोर्स कराते हैं। आप जुडिशी इंडिया के किसी भी जुडिशी के लिए हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हाई जुडिशी के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, आप सब्जेक्ट वाइज ज्वाइन कर सकते हैं, सिंगल सब्जेक्ट ले सकते हैं, पूरा कोर्स ले सकते हैं। एवरी सैटरडे को हमारे यहाँ पे टेस्ट होता है, जिसमें प्री प्लस मेन दोनों होता है, प्री ऑब्जेक्टिव रहता है, मेन रिटन का रहता है, आपके पास पीडीएफ फॉर्मेट आता है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कोर्सेज अवेलेबल हैं, लाइव चलती हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर अभी अवेलेबल नहीं है हमारे पास, नोट्स आपको बनाना सिखाए जाते हैं, अलग से कुछ नहीं है। मुझसे बात करनी है कोर्स से रिलेटेड 9950574600 पे कर सकते हैं। जिस स्टेट का भी कोर्स चाहिए व्हाट्सएप पे मैसेज करें, वहाँ पे एक वीडियो मिलेगा, पढ़ाने का वे पूरा तो बताया जाएगा, साथ उसका फीस स्ट्रक्चर होगा। 3 दिन डेमो क्लासेस लेके दे सकते हैं, वैसे तो मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं जो डेमो की तरह काम करते हैं, लेकिन फिर भी आप लेना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन फीस सबमिट करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फी रिफंडेबल नहीं है, एडजस्टेबल नहीं है। बाकी और भी कोई जानकारी चाहिए क्लासेस की, तब मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।